अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कुछ मीठा, तो आज हम बनाएंगे हबशी हलवा, जिसको मुल्तानी सोन हलवा भी बोलते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों में ये घर पे भी रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और ऐसे कंट्रीज़ यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप घर में इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि इसको किस तरह बनाना है। इसके लिए हमें दूध चाहिए। दूध मैंने ऑलरेडी जो है वो चूल्हे पे रख लिया था, और अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। और हम दूध को फटाने के लिए हमें यहाँ पे हम लेमन जूस जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्पून जो है लेमन जूस का लिया है, और इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो पानी डाल लिया है। तो हमारा दूध जो है बॉयल होना स्टार्ट किया है, और मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर दी है ताकि दूध जो है हमारा उबल के बाहर ना आ जाए। तो हम इतना इसके अंदर पानी डालेंगे कि दूध जो है हमारा आसानी से फट सके। तो मेन मकसद हमारा जो है वो दूध को फाड़ना होता है। अगर आपका दूध जो है वो इससे कम में भी फट जाए तो कोई इशू नहीं है। तो अभी 2-4 मिनट वेट करें तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना फटना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ आप और डाल लें अगर आपको और ज़रूरत है। दूध हमारा जो है वो अच्छी तरह से फट चुका है, तो अब हम इसको छोड़ के लो टू मीडियम इसकी फ्लेम करके तो इसको छोड़ के जा सकते हैं। आप कोई अपना दूसरा काम कर लें, तब तक हम वेट करेंगे जब तक ये खुश्क नहीं होता, तो इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं होता। 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूध जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और इसी के साथ ही मैंने इसमें कलर देने के लिए कोको पाउडर लिया है, और मैंने हमारा जो रोटी बनाने वाला आटा होता है वो लिया है, और मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर जो है वो लिया है, 1-1 चम्मच ये लिए हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ पे एक बाउल में मैंने दूध का लिया है, और हम सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम जो है मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें थी वो मैंने मिक्सअप कर ली हैं, क्योंकि कोको पाउडर जो होता है बहुत ज़्यादा बारीक होता है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी से जो है मिक्सअप नहीं होता। देखें अभी भी उसके ऊपर जो है वो बॉल से बने हुए हैं। तो अब हम इसको जो हमारा दूध रेडी हो रहा है उसमें डालेंगे। हमारा दूध जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है अपना ये वाला लिक्विड डालेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला था और आटा डाला था, उसकी वजह से ये देखें काफ़ी खुश्क भी हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो देसी घी ऐड करेंगे। आपके पास बटर है तो बटर कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरह से जो है भून लें। तो हंसते जितना आपको पसंद है तो उतना आप घी डाल सकते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती वैसे। ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर जो है वो काफ़ी दाने दाने से बन गए हैं। कंडीशन जो है अब इस तरह की हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसके अंदर जो है वो 1 कप जो है वो शुगर का ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो भी डाल सकते हैं। ये देखें अब इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्सअप करते जाएंगे और खुश्क करते जाएंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा तो घी जो है वो भी छोड़ देगा, तो बिल्कुल एक जगह पे जो है ना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तब हम इसको जो है उतार लेंगे। आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से जो है वो इसको मिक्सअप करना है ताकि इसके अंदर जो दाने दाने हैं वो कंप्लीट रहें और हलवे का टच आए। ऐसा ना हो कि आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब हार्डली तरीके से इसको मिक्सअप करें तो फिर तो सारे दाने जो हैं वो टूट जाएंगे। हमारा मुल्तानी सोन हलवा जो है वो तकरीबन नियरली रेडी होने वाला है। ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई पैन को छोड़ रहा है।
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हाफ कप जो है वो खुश्क दूध डाल देंगे। मैं यहाँ नीडो वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जैसे खोए की तरह का। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको भी मिक्सअप कर लेंगे हम लोग अच्छी तरह से। माशाल्लाह से हमारा जो मुल्तानी सोन हलवा है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें कितना स्टिकी हो गया है, तो बिल्कुल ओरिजिनल जो सोन हलवे की शक्ल है वो पेश कर रहा है। तो मज़े, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे एक डिश के अंदर बटर पेपर लगा के, तो फिर इसको हम जो है इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में जो है सोन हलवा निकाल लिया है और एक बटर पेपर लगा के, आप इसकी जितनी मोटी लेयर करना चाहती हैं तो उतना उसको फैला लें। तो अब हम इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट मैंने कुछ यहाँ पे काट के रखे हुए थे वो ऊपर लगाएंगे। उसको प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने ऊपर ड्राई फ्रूट जो हैं वो लगा दिए हैं, तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे, या फिर अगर आपने बाहर भी रखना है तो इसको ओवरनाइट के लिए बाहर रख दें, ताकि फिर इजीली इसकी जो है वो कटिंग हो सके, इसको इसकी टुकड़ियां बना लें। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा सोन हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है बन के, बहुत ही मज़े का बना है। तो ठंडा होने पर मैंने इनको पीसेज में इस तरह काट लिया है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको पीसेज में काट लें, जिस तरह के पीसेज आपको अच्छे लगते हैं। ये देखें बिल्कुल दानेदार है, जिस तरह हम लोग बाज़ार से देखे खाते हैं बिल्कुल सेम उसी टेक्सचर में है। तो आप भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। आई होप आज की मेरी रेसिपी जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।